जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे फैमिली मेंबर्स, फैमिली ग्रुप वाले। मैं आज आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ पहली दफ़ा, कि हमारी जो ज़िंदगी है ना, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ कैसे गुजारी। हमें ज़िंदगी में अपने थोड़ा सा तब्दीली लानी पड़ेगी, अपने बच्चों पे जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है वो ये करनी है कि हम उनको कोई हुनर साथ तालीम साथ उनकी एक्सरसाइज का ख्याल रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, ताकि वो एक पौधा लगाने की कोशिश करें। ये ना करें कि हम उसको दरख्त लें उसका फल खाएं। ये फल आज अगर हम लोगों ने अपनी एक्टिविटी चेंज करके आज से हमने अपना तहिया किया कि हमने पौधा लगाना है, वो पौधा हमें तो कोई फ़ायदा दे या ना दे, मे बी अगर वो जल्दी कोई उस लेवल तक पहुँचा तो शायद छाँव मिल जाए, अदरवाइज़ ये जो छाँव है ना, ये वो आने वाली नस्ल के लिए, जो हमारी आने वाली नस्ल है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, और जो सूरत हाल जा रही है, हम समझते हैं कि शायद हमारी एजुकेशन लेके हम जाके बाहर जाके नौकरियाँ करेंगे या यहाँ पे नौकरी करेंगे, यहाँ पे कोई काम ऐसा करेंगे, तो वो फिर सारी ज़िंदगी हम इसी काम में लगे रहेंगे कि कोई बना घर बन गया, तो वो बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। घर के अखराजात हमारे ज़्यादातर मोस्टली जो है ना, घर रेंट पे रह रहे हैं लोग, ज़ाहिर है क्योंकि अगर जिनके अपने घर भी हैं तो वो भी आने वाले दौर में रेंट पे जाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों ने फिर आगे होना है, बच्चों से बच्चे आगे जो नस्ल चल रही है वो, उनके लिए हमने कोई पौधा लगाया नहीं जिससे वो फल खाएंगे, जिसकी छाँव में वो बैठेंगे, तो उनके लिए हमें जो चीज़ पहले थी कभी 20-25 हज़ार में प्लाट मिल जाता था, वो अब करोड़ों में चलेगी। तो करोड़ों कमाने के लिए आपको तो भी 20-25 हज़ार का घर का खाना भी नहीं पूरा होता, तो हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, माहौल चेंज करना पड़ेगा, ज़िंदगी और लाइफ जो हमारी है उसका लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। बीमारियां हैं, खुशियां हैं, कमियां हैं, और हम देखा देखी एक जो भेड़ चाल है उसी को देख के हम उसके पीछे लग जाते हैं, ना कि हम कोई ऐसी चीज़ करें, कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करें जिससे हम दुनिया में जाकर काम करें। हम जो काम कर रहे होते हैं वो दुनिया तो हमारे से वो करके फारग हुई होती है, हम उसको करने का सोचते हैं। हमें अपनी दुकान जो है ना गली मोहल्ले से निकाल के इंटरनेशनल लेवल पे काम करना पड़ेगा, जिससे हम लोग कमाएं और आने वाले बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर लाइफ और उनको टारगेट दे सकें। मैंने ये एफर्ट शुरू तो की है, मगर ये कि कोशिश करते हैं कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बजाय एक दूसरे की टांगे खींचने की, एक दूसरे को पुल लेगिंग करने की बजाय हमें एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करें, ख़ानदान को आगे लेके चलें, जिससे पता चले कि ये एक लेवल है इसका। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस वक्त जहाँ पर बैठा हूँ, ये लाइफ और है, ये इसकी लाइफ स्टाइल चेंज है। ये देखें, ये पार्क है, लोग आए हुए, ये डिफेंस का एरिया, यहाँ की लाइफ स्टाइल अलग है। अब एक घर यहाँ पे किसी ज़माने में मिल जाता था 1 करोड़ का, अब यहाँ पे वही घर जो है वो 20-25 करोड़ में चला गया। हिसाब लगा लें, अब 1 करोड़ कमाना बड़ा मुश्किल है, तो 20-25 करोड़ पे है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ करना पड़ेगा जिससे हमारी इनकम सोर्स बढ़े, हमारा इल्म बढ़े, हम हुक्मरानी में जाएं, ना कि हम नीचे रह के उसी काम में लगे रहें जिससे हमारी खाना पीना रहना सहना, बच्चों की शादियां करना मुश्किल हो जाए, हमारा किराया निकालना मुश्किल हो जाए, हमें बाइक का पेट्रोल निकालना मुश्किल हो जाए, हम रिलायबल रहें अभी कैसे हम इनको अफोर्ड करेंगे, और इसी डिप्रेशन में आगे बीमारियों में मुबतला हो जाते हैं, बजाय वो आगे जाने के हम बहुत पीछे चले जाते हैं।